दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डेड एंड डीकेइंग मैटर, जहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है तो भी वो ग्रो हो सकते, दैट इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सच ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन एडप्ट करते हैं, सच ऑर्गेनिज्म विद सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स। नाउ फंगाई ग्रो ऑन पिकल, लेदर, क्लोथ्स एंड अदर आर्टिकल दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम। अभी देखो जैसे कि पिकल्स होते हैं, पिकल मम्मी जब बनाती है, समर आता है तो मम्मी पिकल बनाती है, अगर उसमें ज़्यादा ऑयलिंग क्यों करना होता है, ज़्यादा ऑयल डालते हैं ताकि उसमें फंगाई ना आ जाए, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उसको प्रॉपरली हमने स्टोर नहीं किया हो या फिर ऑयल कम पड़ गया हो तो किसी वजह से ऊपर वाइट लेयर हो जाता है, दैट इज कॉल्ड फंगाई। फिर लेदर, जैसे कि प्योर लेदर के कपड़े होते हैं, उसको अनयूज हमने थोड़े दिन के लिए रख दिए तो क्या होता है, उसमें वाइट वाइट कलर का पाउडर फॉर्म हो जाता है, तो दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ फंगाई। तो वो कब होगा, जनरली कब ये सब फंगाई ज़्यादा कब ग्रो होती है, हॉट एंड ह्यूमिड वेदर होता है ना, जैसे कि रेनी सीजन में इसका रिजल्ट ज़्यादा दिखता है। द ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स एज योर पेरेंट्स अबाउट द मीनिंग ऑफ फंगाई इन योर हाउस। आस्क योर पेरेंट्स, मम्मी को पूछना तो वो आपको फंगाई का भी बताएगी। जैसे कि अभी गर्मी की सीजन चल रही है बच्चों, तो उसमें अगर खाना दोपहर का बच गया है और मम्मी ने ऐसे ही छोड़ दिया और उसको रात में यूज़ करना है या कल फ्रिज में रखे बगैर भी यूज़ करो तो उस पर फंगस आ जाता है। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन एयर, स्पोर्स आर प्रेजेंट, फंगल के स्पोर्स एयर पे प्रेजेंट होते हैं, जहाँ उसको डेड एंड डिकेइंग मैटर दिखा वो वहाँ उस पर जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट, जर्मिनेट मतलब वो उस पर ग्रो हो जाते, जर्मिनेट एंड ग्रो। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ कैन यू प्रोटेक्ट अवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। नाउ सम ऑर्गेनिजम्स लिव टूगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। मतलब कोई कोई ऑर्गेनिज्म क्या होता है कि एक दूसरे की हेल्प लेते हैं, जैसे कि देखो दैट इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सम ऑर्गेनिजम्स लिव टूगेदर एंड शेयर शेल्टर